फिट किस्म का। ये हट्सपन है यहाँ पे, ये बेसिकली ना जो हुक्का शुक्का पीते हैं लोग उनके लिए। जिसको ये ईरान का शहर है, खुरम शहर इसको कहते हैं, खुरम आबाद। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आप देखें सीनरी है इसकी। बेड लगे हुए हैं ये जनाब, खाना खाना बना रहे हैं और हम जो है जिस टाइम ये सारा इसका जहाँ का ये जनाब खुरम आबाद है, खूबसूरत खुरम आबाद, बहुत खूबसूरत इलाका है। ये सारे पीछे जितने भी इलाके गुजरे हैं वो आउट क्लास हैं, सारे के सारे कमाल के इलाके हैं। ये सब रुक गया देखते हैं, बहुत खूबसूरत शहर है ये खुरम आबाद, आउट क्लास और खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड। सुभान अल्लाह, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हम फिर रहे हैं, सिमिलर टू गिलगित बल्तिस्तान ये इलाका। ये ईरान का शहर है, खुरम शहर इसको कहते हैं, खुरम आबाद। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आप देखें सीनरी है इसकी, बहुत खूबसूरत सड़कें और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है इसका। और इसकी तारीफ की जो कम है वो ऊपर जो है पहाड़ी पर, वहाँ पर भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने पार्क है वो। ये सारा जितना भी है
एक हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वही लैंडस्केप तकरीबन यहाँ पे है। वैसे ही खुले खुले दूर दूर पहाड़ हैं और तुर्की जो है ना वो अपने ऊज पे है। शुक्र है कि यहाँ मौसम जो है बड़ा मोतदिल किस्म का है, ठंड नहीं ज़्यादा, और ये लगता है कोई जो है कब्रिस्तान लग रहा है, कब्रिस्तान है कोई, बिल्कुल कब्रिस्तान है। सलाम अलैकुम या अहले कबूर अबोलीना। ये कोदश्त का इलाका है, कोदश्त पीछे जो गुजरा था वो था खुरमाबाद, और ये अब जो है कोदश्त का इलाका है, बड़ी खूबसूरत सा इलाका है। आज फ्राइडे का दिन है और ईरान में छुट्टी होती है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इधर साइडों पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग ऊपर मेरा ख्याल है कि वो पिकनिक विकनिक मनाने गए हैं। आज सारा दिन वैसे ही ब्राइट सनी डे था तो लोगों ने बड़ा खूब इंजॉय किया होगा, जितने वो लोग आ रहे हैं फैमिलीज, तो ये वही ना इंजॉय कर रहे हैं आज छुट्टी को। जुम्मा छुट्टी होती है, तो ये लोग जो करीब करीब के होंगे वो आ जाते होंगे। तो जैसे हम कुंभ से निकले हैं सुबह से, तो अभी यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर होटल शोटल भी लाजमी होंगे कोदश के इलाके में। काफ़ी खूबसूरत इलाका ये है, सब्ज़ी और आजकल मौसम भी यहाँ पर बड़ा फिट है, तो पिकनिक के लिए बड़ी फिट जगह है। लोग मेरा ख्याल यहाँ पे कैंपिंग भी शायद करेंगे रात, तो मेरा ख्याल होटल वोटल में ठहरेंगे, कैंपिंग का कोई सिस्टम नहीं लग रहा है यहाँ पे, पीने के बड़ी आउट क्लास जगह है। चाह मीरा ये जगह आ गई, जाके चाह मीरा इंतहाई खूबसूरत लैंडस्केप है, और इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो यहाँ का निज़ाम है सारा का सारा। लोग कुकिंग शुकिंग भी ये कर रहे हैं, लोगों ने मेन रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ लगा के जो है वो पिकनिक मना रहे हैं। पूरा पहाड़ी इलाका है ये, तो
ये हम अब पहुंच चुके हैं कोदश्त में। ये कोदश्त शहर है, पीछे जो आपको नजर जो पहाड़ी इलाका था वो कोदश्त का ही पहाड़ी इलाका था, और ये शहर है सिटी कोदश्त। ये सामने जो इसका आई लव कोदश्त, सुभान अल्लाह। जनाब इन लोगों को शुक्रिया, इन्होंने जनाब हमें रोटी दे दी। टाइम लगना था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने किसी ने अपने नंबर से जो सा रोटी हमें दे दी, और बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने बगैर किसी पैसे लिए जो सा रोटी दे दी है। इतनी कोई बात नहीं, जाए आप हम मेहमान हैं। यहाँ रात गुजारेंगे, होटल यहाँ पे ले लिए। होटल तो नहीं है कोई बड़े, एक प्रोत है चीज जगह है। से 400 किलोमीटर का सफ़र किया और अभी भी तकरीबन 240 किलोमीटर का करीब जो है मेहरान बॉर्डर है। बाइक से हमारी ये खड़ी हुई है और बाइक से हमने खड़ी हुई है, सामान शामान उतार दिए यहाँ से। तो यहाँ पे खड़े तो पुलिस वाले आए, उन्होंने खैर आके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है कहाँ से हैं, क्यों फारसी जो है ना जानने का ये फ़ायदा होगा कि वो उनको मेरी बात समझ आ जाती है और मैं उनको अपनी बात समझा लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा फ़ायदा है। तो फारसी जो ना आनी चाहिए, जिस कंट्री में जाए उसको कम से कम थोड़ी बहुत होगा, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये सामने जो आसमी साहब लगे हुए हैं, ये जनाब खाना खाना बना रहे हैं, और हम जो है इस टाइम ये सारा इसका जहाँ का माहौल है, ये बेसिकली ना वो जो शीशा हाउस नहीं होता, शीशा हाउस है ये बेसिकली। तो ये ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर शूटिंग शूटिंग का। ये सामने वो शीशा वीशा चाय चाय बन रही है, और अब कमरे का मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। हमारा आज का महल है, एक दिन का महल। आसिफ साहब लगे हुए जनाब खाना बनाने, और ये जनाब आज हम खाना बनाएंगे। आसिफ साहब क्या बन रहा है? ये जी अंडा कड़ी, दो प्याज़ा, दो प्याज़ा, दो प्याज़ा, दो प्याज़ा विद एग, एग अंडा, दो प्याज़ा, अंडा दो प्याज़ा। ये जनाब माहौल है यहाँ का, देसी सा माहौल है और बड़ा ट्रेडिशनल माहौल है यहाँ का। ये जो ईरान का ख़ासतौर पर लूरिस्तान का इलाका है, लूरिस्तान के इलाके का जो माहौल है ना ख़ासतौर पर, ये बड़ा, और ये बड़ी खूबसूरत पीछे वादियाँ थी, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे जो ना ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में जो ना कराग्राम हाईवे उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ का जो है ना माहौल था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र जो बड़ा अच्छा गुजरा और आज का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा। करबला दी कवाली भी दसो ना। हाँ जी, ये देखो जी ये कवाली लगाई हुई जनाब आसिफ साहब ने स्पीकर के ऊपर। तो ये जो है जनाब अभी खाना बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं खाना क्या बना। ये जी हम अभी खाना शाना बनाने लगे हैं, और ये मेरा छोटा सा हमारा किचन बेड ये सारा। तो अंडे और टमाटर प्याज बनाएंगे, और साथ से जो है वो नान है। तो फिर जो है ना मैं आपको मज़ीद जो बताता हूँ, ये थोड़ा सा मैं इस पर दिखाऊँ। ये देखें कितना खूबसूरत, ये लाइटिंग के लिए दिया शिया रखने के लिए बनाया गया है, और ये एक आर्टिकल पर देखें आपके सामने खूबसूरत। ये कुछ आर्टिकल्स पड़े हुए ज़रूफ़ टाइप के, ये देखें माशाल्लाह, एक हुसन है इसका अपना, मतलब नेचुरल जो है ना वो चीज़। ये देखें ये अंगीठी है, ये अंगीठी है ये, और ये खिड़की, खिड़की से बाहर का ये मंज़र, ये सारा
ये भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में और मज़ीद में आपको